हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें फाइनली हमें आज अपर सर्किट देखने को मिला। तो सवाल ये आता है कि क्या अब रैली शुरू हो चुकी है वारी में? आइए बात करते हैं। आज वारी ने 50 DMA का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके ऊपर चला गया है फिर से, और 1755 रुपीज़ पर क्लोजिंग दी, अपर सर्किट में क्लोजिंग दी आज। हालांकि आज मार्केट में थोड़ा वीकनेस था, फिर से डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। निफ्टी 25,000 के आसपास ही घूम रहा है, ऊपर जाने को तैयार नहीं है। ऊपर जाता है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। उसके बावजूद भी वारी में आज अपर सर्किट लगा, 1,48,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, जो कि काफ़ी कम वॉल्यूम में, जो एवरेज वॉल्यूम होता है वारी में, उसमें अपर सर्किट देखने को मिला। और अपर सर्किट लगने के बाद करीब करीब 42,000 शेयर्स की बाइंग के ऑर्डर लगे हुए थे। फ्रेंड्स, वारी का शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका था और आज मॉर्निंग से ही थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। वारी का शेयर प्लस में ही था, मार्केट में गिरावट हुई फिर भी प्लस में था, और आखिर में करीब करीब 2 बजे के आसपास इसमें अपर सर्किट लग गया और वो कंटिन्यू रहा। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि वारी का जो रिज़ल्ट है अच्छा आएगा, होप होती है सभी को, तो अभी कभी भी कंपनी की ओर से Q2 के रिज़ल्ट की डेट आ सकती है, तो एंटिसिपेशन में रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा ये सोचकर आज इसमें अपर सर्किट लगा है। और आज APS का रिज़ल्ट भी आया, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर का, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वारी के शेयर पर हमें देखने को मिला, क्योंकि इसका भी रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा ऐसा अज्यूम करके इसमें अपर सर्किट आज वारी में लगा है। और हो सकता है कि अभी Q2 का रिज़ल्ट का डेट आए और वो कभी भी आ सकता है, या एंटिसिपेशन में वारी में हमें अभी थोड़ी सी फिर से रैली देखने को मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि अगर फिर से 4-5 दिन टाइम लग गया कंपनी की ओर से Q2 के रिज़ल्ट का डेट डिक्लेयर करने के लिए, तो हो सकता है बीच में थोड़ा सा स्लो भी हो जाए, बट ओवरऑल देखा जाए तो लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, यहाँ से ऊपर ही जाने की उम्मीद हमें वारी में लग रही है। और इस बार रिज़ल्ट अगर अच्छा आए तो PE कम होगा और फिर से शेयर रैली देखने को मिलेगी। तो अभी तक तो कोई अपडेट कंपनी की ओर से नहीं है, बट आशा करते हैं कि कंपनी की ओर से जल्द ही कोई अपडेट आए और शेयर में फिर से रैली देखने को मिले। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी ने बार बार जो है इन्वेस्टर्स मीटिंग बुलाई थी, तो इस क्वार्टर में कोई FII/DII का स्टेक बढ़ा है क्या, ये भी हम लोग उसकी राह देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर वो भी अगर अच्छा आया और उसमें FII/DII का कुछ होल्डिंग बढ़ते हुए दिखा, तो उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ सकता है वारी पर, देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल दिख रहा है कि अभी एक गिरावट का जो एक लेवल है काफ़ी कम लग रहा है यहाँ से। हालांकि शेयर ASM स्टेज 4 में है, और अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ तो करेक्शन होगा, नहीं तो शेयर साइडवेज जाएगा या पॉजिटिव जाने की कोशिश करेगा ऐसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स सॉरी, अभी भी तबीयत थोड़ी सी इम्प्रूव नहीं हुई है, लग रहा था कि फिर से हो जाऊंगा, पर अभी भी वीकनेस है, बार बार बीच में बुखार आ रहा है, तो मेडिसिन वगैरह सब चेंज करना चल रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण मुझे डिले हो रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी पॉसिबल हो वीडियो बनाने की। थैंक यू फ्रेंड्स।